तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का टॉपिक का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं क्विक। सो टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूनिवर्सल गेट। मतलब जो गेट मैंने इससे पहले वीडियो में डाला था वो बेसिक गेट था। मतलब बेसिक गेट क्या क्या था, एंड और एंड नॉट। ओके, अब हम देखेंगे कुछ यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट इसका क्यों कहते हैं, क्योंकि बोथ द गेट्स आर परफॉर्म ऑल थ्री गेट्स। मतलब देखो, पहले बताता हूँ यूनिवर्सल गेट क्या क्या है। यूनिवर्सल गेट के अंदर आता है नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, नैंड गेट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड नॉट एंड आर नॉर विच नॉट और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स। ठीक है, अब ये नैंड और नॉर को हम क्यों यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि ये नैंड गेट एंड नॉर गेट से ही ये सारे बेसिक गेट्स को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। मतलब सिर्फ ये सारे नहीं, मतलब एंड और नहीं, कोई भी बुलियन अलजेब्रा को हम इस बेसिक गेट को ना यूज करके, सिर्फ नैंड और नॉर को यूज करके बना सकते हैं। तो इसीलिए नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल बेसिक गेट कहते हैं। ठीक है, चलो तो चलो आज आते हैं पहले वाला, वो नैंड में। ठीक है, नैंड और नॉर से तो पहले नैंड स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ चलो, नैंड गेट क्या होता है वो तो मैंने तुम्हें बता ही चुका हूँ कि नैंड गेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एंड गेट। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा सिंबल के साथ साथ। ठीक है, और एक चीज के यहाँ पे कहना चाहता हूँ इस, अच्छा ठीक है बाद में। चलो, सिंबल क्या होता है, देखो नॉट एंड एंड इस दोनों का मिश्रण होता है। एंड गेट का तुम्हें पता है एंड क्या कैसे होता है, ऐसे होता है। नॉट गेट कैसा होता है, ऐसे होता है। तो कॉम्बिनेशन मैंने कहा है कि नॉट और एंड का, तो यहाँ पे जब हम ए बी इनपुट देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा अगर इनपुट ए इंटू बी हो रहा है तो यहाँ पे आएगा ए इंटू बी का बार, दैट्स इक्वल्स टू एक्स। सो इस सिंबल को हम एक छोटा सा सिंबल में यूज कर सकते हैं। कैसे, सेम ऐसे ही, पर यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ऐसे करके इसके सामने ये जोड़ देंगे तो ये है नैंड गेट। इसको भी हम नैंड गेट कहते हैं, और इस छोटे वालों को भी हम नैंड गेट कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये नहीं यूज किया जाता फंक्शन के अंदर, ये जो ए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का काम सेम ही है। अब आते हैं ट्रुथ टेबल में। तो यहाँ पे गेट ऐसे लगा, मतलब ए बी अगर है तो उसका बार, ऐसा ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनपुट हम क्या देंगे, पहले दो लो स्टेट, उसके बाद एक हाई स्टेट, एक लो स्टेट, एक लो स्टेट, एक हाई स्टेट और दो हाई स्टेट पर टू इनपुट के लिए। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा वो तो मैंने बताया नहीं, वो बताऊंगा। देखो, अगर ये जीरो जीरो इनपुट ले रहा है तो यहाँ पे सिंबल पे देखो, यहाँ पे जीरो इनपुट जा रहा है, यहाँ पे जीरो इनपुट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है इसमें नहीं, इस पे देखो तो दोनों में जीरो इनपुट जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब इसका नॉट करूंगा तो यहाँ पे वन आएगा। कैसे, देखो एंड का क्या है मल्टीप्लाई करना, नॉट का क्या है रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पे जीरो आया, इसका कॉम्प्लीमेंट वन आ गया। तो जब दोनों में जीरो होगा तब क्या आएगा, हाई स्टेट आएगा। अगर किसी में वन, मतलब इस पे जीरो है इस पे वन है, तब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिर से जीरो आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से वन आएगा, तो इस पे भी वन आएगा। तो जीरो आउटपुट तभी आएगा जब दो इनपुट का स्टेट हाई हो, तभी जीरो आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को है, अगर तुम्हें नहीं मालूम पड़ा फिर से देखो।
बस सीखना तुम्हें पड़ेगा, इसी को हम एग्जाम में भी आएगा, इसका बहुत ही जरूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बात कहता हूँ, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है। तो मेरे एक बात है, जो कमेंट करने से पहले एक बात फिर से देख लो, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आया तो द्वितीय बार है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। चलो।